सो स्टार्टिंग विद बिजनेस एक्टिविटी, द पर्पस एंड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब सबसे पहले ना आप समझे कि एक बिजनेस करने की वजह जो मेनली है ना ओनर के लिए, वो यह है कि वो प्रॉफिट कमाए। सही, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि प्रॉफिट नहीं भी कमाती, उनको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, वो प्रॉफिट नहीं कमाने के नियत से होते हैं, तो उनको अभी हम साइड पर कर देते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं बिजनेस। बिजनेस किस लिए होता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस एक ओनर, बिजनेस का ओनर जो है वो, जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो बिजनेस को खोलता है अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो सबसे पहले उसने वो प्रॉफिट ऐसी थोड़ी अर्न करेगा, उसको कोई प्रोडक्ट बना के सेल करनी होगी या कोई सर्विस उसने सेल कर देनी होगी ना किसी को, तब जाके। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो टीचिंग सर्विसेज दे के कमाता है। एक बैंकर है, वो बैंकिंग सर्विसेज दे के कमाता है। इसी तरीके से एक मिसाल के तौर पे शू मैन्युफैक्चरर है, तो वो शूज़ बना के सेल करता है। सो इस तरह से उनको प्रॉफिट मिलना है। तो सबसे पहले उस एंटरप्रेन्योर का काम ये है कि मार्केट के अंदर गैप ढूंढे। गैप मतलब कि लोगों को चाहिए क्या, और लोगों को क्या चाहिए होता है। लोगों की कुछ नीड्स होती हैं, नीड्स में क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ठीक है, या लोगों की वांट्स हो सकती हैं कि लोग मतलब बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद कोई उनकी डिजायर्स होती हैं, और डिजायर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हर स्टेज पे हर इंसान को कुछ ना कुछ बेहतर चाहिए होता है, वो उसको मिल जाए तो उसके बाद उससे बेहतर कुछ चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली गाड़ी जब बनी होगी तो उसके बाद कार मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियां बनाना छोड़ दी कि लोगों की बहुत बड़ी वांट पूरी हो गई, अब वो पहियों पर सवार हो सकते हैं। नहीं, उसके बाद वो गाड़ियां और जदीद लेके आए, ऐसी गाड़ियां लेके आए जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग थी, ऐसी गाड़ियां लेके आए जो और कंफर्टेबल सेटिंग थी, और ज़्यादा बेटर इंजन्स थे जिसके, सही है, और बहुत सारे फीचर्स आ गए गाड़ियों में। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके तो इतना आ गया कि हमारा मोबाइल भी सब चार्ज होता है गाड़ियों के अंदर, और इंटरनेट की फंक्शनैलिटी मिल गई हमें, और LED स्क्रीन्स वगैरह गाड़ी के अंदर मिल गए, तो वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, हो सकता है बाद में इवेंचुअली गाड़ियाँ आम, वो वाली गाड़ियाँ आम हो जाए जो आपके बगैर टायर की चल रही हो। ठीक है ना, वो किसी किस्म के जो ना मैग्नेटिक तरीके से या किसी मतलब हवा के अंदर रन हो रही हो गाड़ियाँ। ठीक है, सो कभी ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल, तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्रॉफिट के लिए करता है, और एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि मुझे प्रोडक्ट क्या बनानी है। तो पहले देखता है बेसिक नीड्स, लोगों की बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही तो उन लोगों की बेसिक नीड्स की कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ किसी मुल्क के अंदर अगर गंदम की कमी है तो गंदम उगाएगा खाली ज़मीन पे। ठीक है, अच्छा, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था तो घर बनाएगा, लेकिन घर भी अब मौजूद है, तो वो वांट्स के ऊपर जाएगा, और बेहतर घर, और बेहतर पेंटिंग, और बेहतर ब्रिक्स, और बेहतर डिज़ाइन। ठीक, सो वो लोगों की आइडेंटिफाई, एक बिजनेस का जो ओनर है वो नीड्स और वांट्स आइडेंटिफाई करेगा, उसमें से कुछ प्रोड्यूस करेगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद बढ़ते हैं द रियल कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स का जब कोर्स लॉन्च होगा। ठीक है, फिलहाल हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस का ओनर होता है वो करता है क्या है, उसको करनी होती है प्रोडक्शन। जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, नीडेड है, लोग जो चीज़ नीड कर रहे हैं, सपोज लोगों के, लोग चाहते हैं कि उनको जो है ना बहुत अच्छी सवारी फराहम हो। ठीक है ना, लेकिन वो पेट्रोल ना खाती हो सवारी, तो ये कहता है मैं साइकिल्स प्रोड्यूस, बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, अब लोग पहले घोड़ों पे सवार हो रहे थे, इसने कहा मैं गोल्ड टायर वाली कोई चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ, सोचा मैं बाइसाइकिल प्रोड्यूस करता हूँ। अच्छा जी, अब बाइसाइकिल प्रोड्यूस करने के लिए, इसको प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए कोई जगह चाहिए जहाँ पर वो बाइसाइकिल्स बनाएगा, फिर लोग चाहिए, लेबर, वर्कफोर्स जो बनाएंगे इसके लिए बाइसाइकिल, ये खुद भी बना सकता है, तो अगर ये खुद बना तो खुद लेबर कहलाया, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, इसके अलावा उसको कैपिटल चाहिए, मतलब इसको शुरू में पैसा चाहिए जो जिससे इक्विपमेंट आएगा, टूल्स आएंगे जिससे साइकिलें बनेंगी। ठीक है ना, या तो पैसा चाहिए या वो टूल्स एंड इक्विपमेंट चाहिए जिसको यूज करके वो बाइसाइकिल्स बनाएगा, ये सब कहलाते हैं कैपिटल, जो आपको किसी भी काम को शुरुआत करने में मदद देता है, वो होता है आपका कैपिटल रिसोर्स। और आखिरी चीज़ है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इसने खुद बना ली। एंटरप्राइज का को डिफाइन करूंगा मैं, सबसे पहले ये देख लो कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए तीन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जगह, लोग और रिसोर्स, वो इक्विपमेंट और टूल्स एंड इक्विपमेंट एवरीथिंग, और कुछ पैसा वगैरह सब कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ें पड़ी हुई हैं हर मुल्क के अंदर, बट स्टिल बहुत सारी लेबर है जो फारिग है, लेबर के पास काम नहीं, जॉबलेस घूम रही है, बहुत सारे लैंड है जो कि बैरन पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है लैंड, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है अपने बैंक अकाउंट से, बहुत सारा रखा हुआ, लेकिन उनको पता नहीं है इस पैसे का करना क्या है, इजाफी पैसा उनके पास, वो कह रहे हैं यार कुछ ऑप्शन हो तो मैं वो पैसा लगाऊं, तो पैसा कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है
वो मार्केट में आता है, वो उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। एंटरप्राइज का एक मतलब है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्राइज का मतलब क्या? रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने की एबिलिटी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के पास होती है एंटरप्राइज, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी। या एंटरप्राइज आप बिजनेस को भी कह सकते हो, एक बिजनेस भी एंटरप्राइज ही होता है क्योंकि बिजनेस रिस्क लेता है ना। क्या रिस्क लेता है? पहले पैसा इन्वेस्ट करता है, कुछ बनाता है, फिर मार्केट में बेचता है, तो इसने रिस्क लिया। फेल भी हो सकती है ना प्रोडक्ट, मार्केट में कोई खरीदे ही ना। ठीक है, तो एंटरप्राइज जो है, एंटरप्राइज बोलो या एंटरप्रेन्योर बोलो या बिजनेस बोलो, उसका काम होता है इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन टुगेदर करना। कि लेबर फारिग पड़ी तो लेबर को ढूंढा, ऐसी जगह ढूंढी जो फारिग पड़ी है वहां पर जगह पर लेबर को लेके गए और टूल्स एंड इक्विपमेंट फराहम कर दिए और इनिशियली कुछ रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के दे दिया। ठीक है, या ये सब खरीद के नहीं दिया, उसके बाद एवज पैसे दे दिए, तो पैसे से भी ये सारी चीजें खरीदेंगे ना, टूल्स रॉ मटेरियल और सब कुछ। उससे फिर ये लेबर उस जगह पर क्या चीजें बनाएगी, तो प्रोडक्शन हो गई। अब क्योंकि प्रोडक्शन हो गई तो प्रोडक्शन जो है फिर सेल हो जाएगी। तो प्रोडक्शन जो जितने की पड़ी वो आपकी कॉस्ट है और जितने की बिकी वो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट से ऊपर होगी तभी प्रॉफिट होगा ना। तो लेट सपोज आपको कॉस्ट पड़ी, कोई एक बाइसाइकिल बनाने की कॉस्ट पड़ी आपको $70, ठीक है, और वो आप सेल कर रहे हो $120 में, तो जो $50 ऊपर मिला ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योर को मिला, सही है। बाकी $70 क्या था? बाकी $70 था आपका लैंड, लेबर और कैपिटल का। बाकी $70 क्या था? लैंड, लेबर और कैपिटल का, ठीक है। और उसके अलावा जो $50 और ऊपर मिला प्रॉफिट, वो किसका है? वो एंटरप्रेन्योर का है, जिसने जिसने ये सारा बिजनेस खोला था। क्लियर है जी? तो आपके चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सही है। आप चाहो तो यहाँ आप जैसे कीवर्ड्स के तौर पर इनको लिख दोगे। आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रही तो लैंड का मतलब अंदर देख लिया, लैंड का मतलब जगह होती है, या लैंड में वो नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाती है जो जमीन से निकलती है सारी, ठीक है, या पढ़ोगे तो समझ में आएगा। स्कार्सिटी, एक लफ्ज आपका इकोनॉमिक्स के अंदर और बेटर तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। दुनिया में लोगों की जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, जबकि जो उनको उन वांट्स को फुलफिल कैसे करेंगे? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कौन सी रिसोर्सेज हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो वांट्स है दुनिया में लोगों के अनलिमिटेड है, जबकि उनको फुलफिल करने की रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। दुनिया में कभी ना कभी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लिमिटेड है रिसोर्स, ठीक है, लेकिन लोगों की वांट्स कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि एक वांट पूरी करो तो दूसरी वांट क्रिएट हो जाती है ना। तो क्योंकि ये इक्वेट नहीं करती आपस में, तो कोई ना कोई लोगों को कमी महसूस होती है, स्कार्सिटी जिसे हम कहते हैं। और कमी महसूस होना इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कमी का मतलब क्या? यार मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही मतलब ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्लियर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है उर्दू में बोले तो? कमी। कमी क्या होती है? कि मेरी चाहत जो है उससे कम रिसोर्सेज है, ठीक है। लेकिन दुनिया में कभी स्कार्सिटी खत्म होगी नहीं, लेकिन एंटरप्रेन्योर कोशिश करता है जिस हद तक मैं लोगों की कमी खत्म करूं उसके बदले लोग मुझे प्रॉफिट देंगे, राइट। तो लोगों की फॉर एग्जांपल अगर ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ अम्यूजमेंट पार्क होने चाहिए, तो एक एंटरप्रेन्योर का पैसा तो कहेगा यार ये तो अगर मैं ख्वाहिश पूरी कर दी तो फिर दूसरी ख्वाहिश खड़ी हो जाएगी। भाई आपको इससे क्या? आप अम्यूजमेंट पार्क खोलो अगर पैसा है तो, अम्यूजमेंट पार्क खोलो, वो लोगों की टिकट लगाओ, लोग टिकट दे के अम्यूजमेंट पार्क में इंजॉय करेंगे और आपको टिकट के बदले पैसा मिलेगा, ठीक है ना। वो पैसे से आपका प्रॉफिट बनेगा। तो आप इस चीज को छोड़ दो ना, उसके मैंने अम्यूजमेंट पार्क बना दिया तो लोगों को और अच्छे झूले चाहिए होंगे, और अच्छी स्लाइड्स चाहिए होंगी, वो सब छोड़ो ना। आप मौजूदा जो भी उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करते चला, और ऐसे ही दौर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कभी ट्रेन थी तो फिर अपनी पर्सनल गाड़ी हो गई, अब पर्सनल गाड़ी में भी इधर उधर मूव नहीं हो रहे, घर बैठे लैपटॉप के ऊपर काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम। उसमें भी अब डिजिटल वर्ल्ड चाहिए, पूरा वर्चुअल रियलिटी चाहिए, मेटावर्स चाहिए उनको, जिसमें जाके वो काम करें, सही। तो बढ़ता जा रहा है सब। स्कार्सिटी इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब इनफ रिसोर्सेज नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझा देता हूँ, ये इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा समझोगे, यहाँ भी समझाते हैं। शुरू के टॉपिक्स इकोनॉमिक्स वाले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मिसाल के तौर पर कोई इंसान भी डिसीजन मेकिंग करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर करता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कहीं जॉब करता है, उसको महीना 40,000 रुपीज मिलते हैं। वो कहता है मैं जॉब छोड़ के अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो क्या एक्सपेक्टेड इनकम है? वो सोचता है यार फला फला बिजनेस है। तो एक बंदे ने कहा यार मेरे साथ बिजनेस कर, मैं तकरीबन हर महीने की जो है ना 80,000 की सेल करता हूँ, जिसमें मुझे 40,000 प्रॉफिट बचता है, तू मेरे साथ ज्वाइन कर देगा? मुझे एक बंदा चाहिए, तो मैं एक और वो लगा सकता हूँ, क्या कहते हैं, स्टॉल लगा सकता हूँ अपना, या तो स्टॉल एक्सटेंड कर सकता हूँ, फिर मेरी एक्सपेक्टेड सेल 80 की जगह 2,00,000 की हो जाएगी।
उस 2 लाख में से 1 लाख तेरा, 1 लाख मेरा। अब उस एक उस 2 लाख में से पूरा दो लाख में से एक्सपेंस भी सॉरी माइनस करना है ना, तो उसके अंदर 2 लाख में से जब हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तकरीबन 80,000 के एक्सपेंस माइनस होंगे, ठीक है। तो 2 लाख हम कमा सकते हैं जिसमें से 80,000 के एक्सपेंस माइनस होंगे, ठीक है। ब्रैकेट अकाउंटिंग में ब्रैकेट लगते हैं, माइनस नहीं लगता, तो मैं अकाउंटिंग वाला काम करता हूँ। 2 लाख में से 80,000 माइनस होंगे तो बचेंगे 1,20,000, आधे तू रखना आधे मैं रखूंगा, तो आधे वो रखेगा और आधे मैं रखूंगा। तो जो पहले 40,000 कमा रहा था जॉब से, अब वो क्या कमा रहा है, 60,000, ठीक है ना। तो उस बंदे को कितने का बेनिफिट हो रहा है, 60,000 का नहीं, 40 तो वो पहले जॉब से कमा भी रहा था ना, तो 60,000 एक अपॉर्चुनिटी मिली इसको, यार एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि मैं कुछ लूज भी तो कर रहा हूं ना, कि ये 60 कमाने जा तो 40 लूज भी करूंगा, ठीक है। ये थोड़ी है कि 60 इस 40 के अलावा 60 और कमा रहा हूं, नहीं, ये 60 कमाने गया तो ये 40 जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो 20,000 के एक्स्ट्रा बेनिफिट की वजह से वो बंदा इस ऑप्शन को ले रहा है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट को पहचानने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अभी पता होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्या, हाँ, कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो उस अपॉर्चुनिटी का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब मैं मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन सेंटर खोला मैंने का और मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, तो मैं इससे पहले जॉब करता होता था, तो मुझे जॉब से ज्यादा अगर यहाँ पर कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है तो फिर मैं एजुकेशन सेंटर की तरफ आऊंगा। लेकिन एजुकेशन सेंटर लेट सपोज मुझे पर मंथ 2 लाख रुपीज का, लेट सपोज 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट दे रहा होगा, ठीक है, जबकि मुझे जॉब से मिल रहे हो 3 लाख रुपए, तो मैं नहीं खोलूंगा एजुकेशन सेंटर, कहूंगा जॉब ही सही है मेरे लिए, सही, हालांकि क्योंकि मेरा एजुकेशन सेंटर खोलने की अपॉर्चुनिटी एक मेरे पास आई है, उससे ज्यादा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मैं लूज कर रहा हूं, तो मैं क्यों खोलूंगा एजुकेशन सेंटर, समझ रहे बात को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, तो एजुकेशन सेंटर खोलने के बाद का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो मेरा नेक्स्ट बेस्ट नहीं बल्कि वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, खुद एजुकेशन मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। मैं जॉब पे क्यों रहना चाहूंगा कि मुझे जॉब से 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, जॉब के बाद दूसरा मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, 2 लाख रुपए एजुकेशन सेंटर से मेरे को मुनाफा है, तो एजुकेशन सेंटर उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, क्लियर। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा कर सकता है कि जो मुझे कहीं जॉब से इतने मिल रहे थे लेकिन उसके बावजूद मैंने बिजनेस खोल लिया, क्यों, फिर भी क्यों करना चाहेगा वो, कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो उस 2 लाख के चक्कर में, उसमें आपको 1 लाख ज्यादा मिल रहा था, तो आप यहाँ ये क्या कर रहे हो सकता है कोई बंदा इसलिए कर रहा हो कि यार ये बिजनेस है, आज 2 लाख है कल को ये ग्रो होके 20 लाख तक पहुंच सकता है, जबकि जॉब ग्रो होके 3 लाख की जगह 3.5 लाख पे पहुंच जाएगी, 350,000 तक पहुंच सकेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा उस वक्त लॉस करता है जब फ्यूचर में ग्रोथ देख रहा होता है, क्लियर है। बहरहाल तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसकी इलस्ट्रेशन यहाँ पर एक है कि एक इंसान कहीं जॉब करता था पिज्जा डिलीवरी की, तो उसको 40,000 सैलरी थी, उसने सोचा अगर मैं ग्रॉसरी स्टोर खोलूंगा तो मुझे टैक्स देने के बाद की जो इनकम बचेगी, मतलब पहले टोटल इनकम होगी कोई, उसमें से टैक्स माइनस होगा तो जो उसको इनकम बचेगी वो होगी $70,000। तो उसने सोचा यार मैं सालाना डिलीवरी बॉय बन के $40,000 कमाता हूँ, अगर मैं पिज्जा शॉप खोल लेता हूँ तो मुझे जो है ना पूरे सालाना मुनाफा जो होगा $1,00,000 होगा, लेकिन उसमें से फिर $30,000 टैक्स चला जाएगा, तो $70,000 जो है मेरी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है पिज्जा डिलीवरी में। तो उस पिज्जा डिलीवरी को आप कहोगे कि भाई मैं तो यहाँ से 70,000 कमा रहा हूँ, इसलिए पिज्जा पिज्जा डिलीवरी नीचे था और एक ग्रॉसरी था, कि मैं ग्रॉसरी शॉप खोलने में 70,000 कमा रहा हूँ इसलिए मैं ग्रॉसरी शॉप खोला हूँ। नहीं, आपका जुमला ये नहीं होना चाहिए, आपका जुमला होना चाहिए मैं ग्रॉसरी स्टोर में 30,000 ज्यादा कमा रहा हूँ बनिस्बत मेरी डिलीवरी की जॉब से जो पिज्जा डिलीवरी की थी, इसलिए मैं ग्रॉसरी स्टोर खोल रहा हूँ। तो ग्रॉसरी स्टोर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, ये 40,000, ठीक है, और जो बाकी इजाफी 30,000 बचा ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट कहला है। ये टर्म्स हम बाद में देखेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो ये आपने पढ़ने हैं। अच्छा जी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपके मुल्क में 3 इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, पहले तो मैं वो बता दूं, इकोनॉमिक्स में सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स टेस्ट में। एक होता है इंडिविजुअल, किसी भी मुल्क में 3 कंज्यूमर्स जब हो सकते हैं आप कह लो, 3 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कोई भी चीज इंडिविजुअल्स भी यूज कर सकते हैं, बिजनेसेस भी यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रोजमर्रा के डिसीजन मेकिंग में इंडिविजुअल्स भी दिस और दैट फेस करते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं, बिजनेसेस भी 2 ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है, कभी 6 ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है, गवर्नमेंट भी,
तो जो ऑप्शन वो लूज कर रहे हैं किसी एक बेटर ऑप्शन पे जाने के लिए, तो जो दूसरा ऑप्शन है ना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। किसी भी काम को करने के लिए जो सेक्रीफाइस दे रहे हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर है? अब एक इंडिविजुअल है, उसकी जिंदगी में क्या डिसीजन हो सकता है कि उसके पास अगर मिसाल के तौर पर पैसे हैं, ठीक है, वो कहेगा कि यार या तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ या फैमिली को वेकेशन पे लेके जा सकता हूँ, दोनों में से कोई एक, राइट? तो गाड़ी अगर खरीद है तो उसकी ही इज परचेजिंग कार एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली वेकेशन, कि फैमिली वेकेशन को सेक्रीफाइस करके तो फैमिली वेकेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से एक गवर्नमेंट है, उसके सामने उसके उसके पास जो है एक बजट है, वो सोचता है कि मैं रोड बना सकता हूँ या एजुकेशन सेक्टर पे या हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या तो हॉस्पिटल बनाऊँ या स्कूल कॉलेज बनाऊँ या रोड बनाऊँ। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट रोड बनाने में होगा, ठीक है, कि अगर मैंने अभी हॉस्पिटल बना दिया लेकिन वहाँ तक जाए हॉस्पिटल तक पहुँचने के रास्ते ही नहीं है, पहाड़ियाँ ही हैं, तो बंदा पहुँचेगा कैसे? इसमें हॉस्पिटल अभी नहीं बन सकता, स्कूल अभी नहीं बन सकता, तो क्या रोड्स पहले बनाते हैं? रोड्स बना रहे हैं वो एट द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल एंड स्कूल इंस्टीट्यूट। क्लियर है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया रोड्स की, रोड्स बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हॉस्पिटल या स्कूल्स। क्लियर है? तो मिसाल के तौर पर एक बिजनेस है, वो सोचता है कि यार मशीन ए खरीदूँ या मशीन बी। मशीन ए जो है वो आइसक्रीम की मशीन है और मशीन बी जो है वो कोन्स बनाने की मशीन है, तो या तो मैं बनी बनाई आइसक्रीम खरीद लूँ और कोन्स खुद मैन्युफैक्चर करूँ, या तो बनी बनाई कोन्स खरीद लूँ और आइसक्रीम खुद मैन्युफैक्चर करूँ, दोनों में से एक मशीन खरीदने का बजट है। तो जो मशीन नहीं खरीद रहे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मिसाल देनी है पूरी थियोरेटिकली लिख के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, इफ अ पर्सन हैज लेट्स सपोज इफ अ पर्सन हैज सेविंग्स ऑफ 500,000 रुपीज, आइदर ही कैन परचेज अ मोटरसाइकिल अ मोटर बाइक और ही कैन टेक हिज फैमिली टू पाकिस्तान टूअर। इफ ही चूजेज टू गो टू टूअर देन इट वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक। अच्छा, ये नट शेल समरी मैंने लिख के दिए ना, जो ये तो एक दफा लिख के दे दी, ये इस तरह की समरीज आप लोगों ने लिखनी है। यहाँ पर हर पेज पे समरी लिखना आइडियल है, लेकिन अगर आपको लगता है पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद तीन चार लाइनों की समरी लिखो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन तीन चार लाइनों में पूरे टॉपिक की समरी आएगी नहीं। अब अगले उस पर आ जाते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है? अब आहिस्ते आहिस्ते हम फॉरवर्ड होना शुरू करें। लेट सपोज एक बिजनेस खुल गया, लेकिन आप चाहते हो कि बिजनेस प्रोडक्टिव हो, अच्छी प्रोडक्शन करे, कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, आप ये चाहोगे ना, जिसे हम कहते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन। तो एक बिजनेस की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम से कम रिसोर्सेज यूज की, ठीक है ना, और प्रोडक्शन ज्यादा ज्यादा की, यह प्रोडक्टिव बिजनेस हुआ। तो बिजनेस प्रोडक्टिविटी की दौड़ में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है प्रोडक्टिविटी की दौड़ में? क्योंकि बिजनेस को पता है कि उसके पास बजट लिमिटेड है। एक बिजनेस के पास लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल होता है, तो बिजनेस चाहता है इन तीनों को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करे, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड स्पेस है, तो चाहता है कि कम से कम हमारा स्पेस जाया हो और उसमें भी कुछ हो जाए। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने पूरी फैक्ट्री ली है, उसके लिए पूरा लैंड स्पेस लिया है, वेयर हाउस आ गया, फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह सब कुछ आ गया उसमें, उसके बाद भी जगह बच रही है, तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा वो जो जगह बच रही है उसमें छोटा सा रिटेल स्टोर भी खोल दिया। हालांकि फैक्ट्री का काम रिटेल करना नहीं था, फैक्ट्री का काम था होलसेलर को सेल करे और होलसेलर आगे सेल करे, लेकिन फैक्ट्री ने अपना भी एक रिटेल स्टोर खोल लिया कि चावल बनाने की अगर फैक्ट्री है तो उसने चावल की दुकान भी खोल ली। सर क्या स्पेस बचा हुआ? दुकान खुद खोल लेते हैं, खुद नहीं खोल ली तो कम से कम किराए पर दे दीजिएगा, जितना फायदा उठा सकते हैं ना उसका, तो ये बेस्ट यूज हुआ उसका। इसी तरीके से लेबर है, लेबर का टाइम बिजनेस चाहेगा कि बहुत सारी लेबर हायर करूं, इससे बेहतर है कम लेबर का टाइम पूरे ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल करूं कि लेबर को फर्क नहीं बैठने दे रहा वो, और लेबर कुछ चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल लेबर को स्क्रू ड्राइवर दिया, उस स्क्रू ड्राइवर से नट टाइट कर रहा है, कुर्सियां बना रही है आपकी, आप कुर्सियां बनाने वाली जो है ना आपकी फैक्ट्री है, अब वो स्क्रूज लगाए जा रहे हैं, एक एक स्क्रू में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपने क्या किया? आपने कहा लेबर का टाइम मुझे ऑप्टिमाइज करना है ना, मैं मिसाल के तौर पर आप 6 लेबर काम कर रही है और हर लेबर को मैं मिसाल के तौर पर महाना 50,000 देता हूँ, तो 6 लेबर को मैं तकरीबन 3,00,000 रुपये दे रहा हूँ हर महीने के। आपने कहा कि यार अगर मैं ये जो लेबर का पूरे दिन का देखता हूँ कि ये कितनी कुर्सियाँ, हर 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 वर्कर जो है ना रोज़ की 12 कुर्सियाँ बना पा रहे हैं या 16 बना पा रहे हैं, 8 घंटे काम करता है, 9 घंटे में से 1 घंटा ब्रेक है, 8 घंटे काम करता है, हर घंटे में 2 कुर्सियाँ बना पा रहे हैं। आपने कहा इसमें से ज़्यादा टाइम तो स्क्रू लगाने में जा रहे हैं, क्योंकि एक एक कुर्सी में 20-20 स्क्रू लग रहे हैं, तो अगर मैं स्क्रू लगाने की मशीन दिला दूं, तो 1 घंटे में एक बंदा एस्टिमेटेडली
एक एस्टिमेट कर रहा है, तो एक घंटे में एक बंदा चार कुर्सियां बना पाएगा। जब वो चार कुर्सियां बना पाएगा एक एक बंदा, तो छह बंदे जो पहले, छह बंदे हर आवर दो कुर्सियां बना पा रहे थे और टोटल आठ घंटे काम कर रहे थे, तो कितनी कुर्सियां बन रही थी? 96 चेयर्स बन रही थी। लेकिन अब के मैंने उन्हीं छह बंदों से हर बंदा चार कुर्सियां बना पा रहा है हर घंटे में और आठ घंटे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इक्विपमेंट दे दिया मैंने, वो स्क्रू डालने और निकालने की मशीन जो ड्रिल टाइप की होती है, ठीक है, वो फराम कर दी। तो 6 4 24 24 मल्टीप्लाई बाई 8 240 में से आप 48 माइनस करो, क्या 182, 240 में से 48 माइनस करना है 192 बोला था आपने, हाँ ठीक है ठीक है 192 सही, 192 कुर्सियां, तो डबल हो गई, पहले से डबल हो गई ना, अरे हाँ ना, वो 204 हो गई। तो क्यों आपने सोच, मतलब आपने प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दिया ना, उसके बाद आपने कहा यार एक काम करता हूं मैं और अच्छा एक काम करता हूं, मैं छह बंदों में कह दिया कि पूरी कुर्सियां बनाए, इससे ज्यादा बेहतर है मैं तीन बंदों को कहता हूं कि वो सिर्फ फॉर्म्स और वो अटैच करें, फॉर्म पन्नी लगा के फॉर्म लगाते जाएं, और पीछे वाले बंदों को कहता हूं कि वो कुर्सियों की टांगे अटैच करें, तो तीन बंदे सिर्फ टांगे अटैच कर रहे, टांगे और बैक, और आखिरी के तीन बंदे जो है ना फॉर्म और वो कुर्सी के ऊपर फॉर्म रख रहे हैं और प्लास्टिक रैप कर रहे हैं। ये क्या की मैंने? स्पेशलाइजेशन, उससे प्रोडक्टिविटी में और इंक्रीज आ जाएगा। अब तुम सोचो एक बंदा है जो आपकी बुक के अंदर मिसाल है, वो दिखाता हूं कि एक बंदा है मिसाल के तौर पे, वो लकड़ी काट रहा है, फिर लकड़ी को पहले दरख्त से लकड़ी काट रहा है, दरख्त से लकड़ी काट के लेके आके उसके छोटे पीसेस बना रहा है, फिर वो एक टेबल खुद ही असेंबल कर रहा है, फिर टेबल को पॉलिश कर रहा है, और फिर वो टेबल जाके डिलीवर कर रहा है। आपने कहा ये अलग चार बंदे होते, एक बंदा सिर्फ लकड़ी काट काट करे, एक बंदा सिर्फ उसको टेबल बना बना करे, सही ना इससे, और एक बंदा उसको सिर्फ पॉलिश करता रहे जो हर टेबल को, और एक बंदा सिर्फ डिलीवरी का काम करे, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जो सिर्फ लकड़ियां काट रहा है उसका लकड़ी काटने में हाथ चल रहा है, उसको लकड़ी काट के लकड़ियां ले जाने का भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आप, फिर वो लकड़ी को ले जाके औजार अपने चेंज कर रहा है, तो जिससे लकड़ियां काटेगा ज्यादा तेज हो जाएगा लकड़ी काटने में, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो आपने छह बंदों को जीरो से पूरी चेयर बनाने पे लगाने से बेहतर है छह बंदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है, कि आपने लेबर को डिवाइड कर दिया, कहा कि कुछ लेबर जो है, लेबर का एक हिस्सा जो है, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ देता हूँ, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को स्पेशलाइज करना किसी एक काम के ऊपर, क्योंकि वो जब स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वो और ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करते हैं, एक तो अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, एरर्स कम होते हैं उनके काम में, वेस्टेज कम होती है, क्योंकि अच्छे हो जाते हैं ना काम के अंदर, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, और साथ में तेज भी हो जाते हैं काम में, तेजी भी आ जाती है, तो वो अपने उसी लेबर जो है ना अपने उन्हीं आठ घंटे में रहते, हो सकता है 24 की जगह 48 चेयर्स बना पाए, ठीक है। तो आपको स्पेशलाइजेशन अचीव करनी है तो आपको लेबर को डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेबर को डिवीजन करने की एक मिसाल यहां पर दी हुई, एक साइकिल बनानी है, तो साइकिल में फ्रेम असेंबली, फ्रेम ये जो बीच का जो ट्राइंगल है ना साइकिल का, ये फ्रेम कहलाती है, व्हील ये टायर्स कहलाते हैं, ब्रेक्स ये टायर्स के ऊपर, ये जो ब्रेक्स लगे हुए हैं और ये पूरा टायर के ऊपर लगे हुए हैं, और फिर यहाँ से वायर जा रहा है जो कि हैंडल के ऊपर ब्रेक के लेवर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके अलावा गियर ये लगे हुए, और गियर का वायर जा रहा है जो यहाँ हैंडल के साथ लगा हुआ है, ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल के पूरी साइकिल बन गई, तो चला के चेक किया कि सही है कि नहीं। इसके आपने जो मिसाल के तौर पर 100 लेबर है आपने डिवाइड कर दी 100 लेबर के, मिसाल के तौर पर फ्रेम असेंबली ज्यादा आगे टाइम लेती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपने लगा दिए 40 अफराद, ठीक है, ब्रेक्स असेंबली भी ज्यादा टाइम लेते हैं उसके अंदर आपने लगा दिया ब्रेक्स असेंबली में 30 अफराद, व्हील असेंबली इतना टाइम लेते, सपोज अगर नहीं लेती, ठीक है, उसके अंदर 10 अफराद लगा दिए, गियर असेंबली के ऊपर आपने 5 अफराद लगा दिए, और क्वालिटी कंट्रोल में 5 अफराद लगा दिए, ठीक है, लेट सपोज। तो इससे क्या होगा, अब फ्रेम के साथ पूरी जो सारी चीजें असेंबल होने वाली ये अलग अलग होगी ना, तो तेजी से धड़ाधड़ बाइसाइकिल्स बनती चली जाएंगी। अगर एक ही बंदे को पूरी बाइसाइकिल बनाने के लिए देते और ऐसे 100 बंदे होते तो एक घंटे में हर बंदा दो घंटे में एक एक बाइसाइकिल बना पाता ना, तो 100 बंदे दो घंटे में सिर्फ 100 साइकिल बनाते। लेकिन इस स्पेशलाइजेशन, इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से लोग स्पेशलाइज हो जाएंगे, स्पेशलाइज होने की वजह से जल्दी काम करेंगे, तो एक बंदा पूरी साइकिल नहीं बना रहा होगा, हर बंदे की हम साइकिल नहीं गिन सकते कि कितनी बनाए, लेकिन ओवरऑल 100 बंदों ने हो सकता है दो घंटे में 200 साइकिलें बना दी, डबल बना दी, क्योंकि आपने डिवीजन ऑफ लेबर किया, तो ये प्रोडक्टिव की तरफ गए, सही ना। क्यों हमें प्रोडक्टिविटी की दौड़ क्यों थे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ हमारा जो लैंड लेबर कैपिटल है वो हमारा क्या है, लिमिटेड है, हमारा लैंड लेबर कैपिटल तो वो लिमिटेड है, तो एंटरप्राइज
का जो एंटरप्रेन्योर है और जो ओनर है वो सोचेगा कि यार इसका ऑप्टिमाइज यूसेज करना है, मुझे बेस्ट यूसेज करना है ताकि ज्यादा प्रोड्यूस कर सकूं इनको यूज करते हुए। तो ये आपके पास एक मिसाल तौर पर सवाल है, कंट्रास्ट बिटवीन द फॉलोइंग टू इमेजेस, इन दोनों इमेजेस के दरमियान कंट्रास्ट करना है। तो आप कंट्रास्ट करके बताओगे, फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो हो रहा है वो जना कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो लोग बंदा स्पेशलाइज नहीं होगा, जबकि नीचे डिवीजन ऑफ लेबर है, तो यहाँ इतनी ग्रोथ नहीं होगी बिजनेस के अंदर क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन ये बिजनेस जो है इसमें इन्वेस्टमेंट लगी है और बहुत सारे लेबर रखे हैं लेकिन इनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा करेंगे, ग्रो भी जल्दी होगा। क्लियर? इसके अंदर आप अच्छा, लेकिन जब है ना इसकी बात करते हैं ना स्पेशलाइजेशन की, तो उसके फवायद भी हैं जो कि टिक मार्क से यहाँ पर डिनोटेड है और नुकसान भी है जो क्रॉस से। फवायद क्या है कि स्पेशलाइजेशन है ना तो एफिशिएंसी बढ़ती है बिजनेस में, ज्यादा एफिशिएंटली काम होता है, तेजी से प्रोडक्शन होती है और कम टाइम वेस्ट होता है, बल्कि टाइम भी कम वेस्ट होता है मटेरियल भी कम वेस्ट होता है क्योंकि लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं ना तो कम से कम एरर्स करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका नुकसान भी है कि वर्कर्स डिमोटिवेट हो सकते हैं, यार एक ही टाइप का काम मिल रहा है बस, कुछ मिल ही नहीं रहा, बस मेरा तो एक ही काम है कि रोटियों को यूं करके देना मुझे, और अगर एक वर्कर एबसेंट हो तो उसका काम फिर कौन करेगा, उसके बैक पर अगर कोई वर्कर ना हो, है ना। अगर मिसाल के तौर पे तीन वर्कर्स हो, चार वर्कर्स हो, कि एक बंदा है जो रोटियां बेल रहा है, दूसरा बंदा है जो रोटियों के ऊपर वो कोई भी तेल वगैरह या वाटर वगैरह रोटियों के ऊपर जो है ना वो रब लगा रहा है ना, तीसरा बंदा वो रोटी बनाने के लिए भट्टी में डाल रहा है और वो निकाल के दे रहा है, और चौथा बंदा थैली में पैक करके दे रहा है। अब ये सारे काम जो एक बंदा कर रहा होता तो कितना स्लो होती प्रोडक्शन, और इसमें से कोई बंदा मिसिंग होता तो भी प्रॉब्लम होता, क्योंकि जो रोटियां बना रहा है उसको जल्दी से रोटियां डाल के निकालनी भी फौरन है, अब वो थैली में भर के दे रहा है ना तब तक दूसरी रोटी नहीं लगाई, क्योंकि वो लगा देगा तो जल जाएगी वो जब तक थैली में भर के दे, तो डिवीजन ऑफ लेबर में अब कोई बंदा अगर मिस हो जाए तो उसकी एक्टिविटी फिर कौन करेगा, या तो उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है तो फिर काम रुक सकता है, जबकि एक बंदा सारे काम जानता हो ना अगर, तो वो पांच बंदे पांचों के पांचों सारे काम जानते हैं, ठीक है, और जीरो से एंड तक सारे काम करे पांचों, पांचों बंदों को कहा कि आपको मटेरियल दे पूरी पूरी कुर्सियां बनाए, हर बंदे को पूरी पूरी कुर्सी मटेरियल से बनानी है, ये नहीं कि पॉलिश वाला अलग हो असेंबलिंग वाला अलग है, नहीं तो ऐसे में क्या होगा प्रोडक्शन तो लो होगी लेकिन कभी कोई बंदा एबसेंट हो तो कुर्सियां बनना रुकेगी नहीं, सही, ये भी एक फायदा। लेकिन फिर बिजनेसमैन क्या करता है, हर पोजीशन के ऊपर दो तीन लोग रखता है ना फिर वो, ताकि एक बंदा एबसेंट हो तो काम ना रुके, स्लो हो जाए प्रोडक्शन काम ना रुके। अच्छा, तो बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, कि भाई एक ओनर है, सबसे पहले तो बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस इन लाइन अगर आखिरी लाइन में बताऊं तो वो देख लो, द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स ओनर्स एंड सोसाइटी। किसी किस्म की वैल्यू क्रिएट करता है बिजनेस, ओनर के लिए प्रॉफिट की फॉर्म में, कस्टमर्स के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में, जब तो वैल्यू कस्टमर कोई चीज ले रहा है वो वैल्यू के जब तो उसके पैसे दे रहा है ना, ठीक है, और सोसाइटी को आमतौर पर पूरी सोसाइटी को ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्या यार हमारे मुल्क के अंदर गाड़ियां भी मैन्युफैक्चर होती है, हमारे मुल्क में ये भी है वो भी, और सोसाइटी को सिर्फ ये ऑप्शन नहीं मिलते कि हम खरीद सकते कुछ, सोसाइटी को जॉब्स मिलती है कि जब बिजनेसेस खुलेंगे तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्लियर हुई, माल बनेगा तो वो माल यूज भी कर सकते हैं खुद, एक एक मुल्क है जिसमें ब्रेड बनाने की कंपनीज हैं तो वहाँ ब्रेड बनाने के लिए जॉब्स भी खुलेंगी, लेबर हायर होगी, राइट, तो सोसाइटी को बेनिफिट हुआ, साथ में लेबर हायर हुई और आमतौर पर लोगों को जिनको डबल रोटी खानी वो आएंगे खरीदेंगे, सही, ब्रेड खरीदेंगे, सही है, ओनर जिसने खोला उसको प्रॉफिट मिलेगा, और सोसाइटी को और भी बड़े एडवांटेज है, जब जिनको जॉब्स मिली है और ओनर है, ओनर अपने बच्चे को पढ़ाएगा और जो जॉब से लगे वो भी कुछ कमाएंगे फैक्ट्री से, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे और वो पढ़ लिख के और ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है, तो सोसाइटी ओवरऑल ग्रो होती है जब जिस सोसाइटी में बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है। तो ये आप पढ़ेंगे, ये आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे, सारी बातें पीछे हो चुकी हैं। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल मतलब वो चीज़ जिसको छुआ जा सके, और इंटेंजिबल मतलब जो छुआ ना जा सके, गुड्स का मतलब होता है माल, ठीक है ना, माल के लिए हमारे पास अलग अलग अल्फाज हैं, गुड्स, सप्लाईज, प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइज, कमोडिटी, इन सब का मतलब है अशिया, खरीदो फरोख्त का माल जो इस्तेमाल होता है, ये सब टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज टेंजिबल नहीं है, आप छू नहीं सकते सर्विसेज, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप छू तो नहीं सकते ना, इट्स अ सर्विस, सही है, तो गुड्स आर टेंजिबल मतलब माल जो है वो प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल होती है जिनको छुआ जा सकता है, सर्विसेज आर इनटेंजिबल, इनको नहीं छुआ जा सकता, बस जैसे बैंकिंग है, आप बैंक से आगे सर्विसेज ले रहे हो, सर्विसेज छू ही नहीं जा सकती, वो सर्विस दी जा रही है,
एक बेनिफिट मिल रहा है। इन योर ओन वर्ड्स राइट द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग वैल्यू, बिजनेस जो है यकीनन कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता होगा। अगर आपका बिजनेस है वॉलेट्स बनाने का, तो ये चमड़े का पीस है, लेदर पीस है, अगर आप इस लेदर पीस में अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, ये लेदर पीस मिसाल के तौर पे मिला है रुपीस, यही लेदर पीस उठा के आप किसी को दे दो, एक दुकान पे खड़े हो आप, लेदर पीस आपने किसी के सामने लिया 200 का और उसको बोल दिया कहा ले मुझसे 300 का ले रहा, वो क्यों लेगा? आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? ऐसा भी नहीं कि आप उसको घर पे लाके डिलीवर कर रहे हो तो 100 पर देता, आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। लेकिन उसी लेदर पीस का अगर आप वॉलेट बना के उसको देते हो, आई ट्राई टू मेक अ वॉलेट हियर, ठीक है ना, अगर आप उसको वॉलेट बना के दे देते हो उसी लेदर पीस का, तो फिर वो उस वॉलेट को ले लेगा, ठीक है ना, और वो ज्यादा का ले लेगा। आपने कहा ये 800 का वॉलेट है। अब इस लेदर पीस को वॉलेट में बनने को कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या लगा होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लगा होगा, लेबर लगी होगी, इक्विपमेंट, टूल्स, पैसा लगा होगा, और इन सबको जोड़ने वाला बिजनेस होगा, एंटरप्राइज। तो लैंड का अपना किराया होगा, वो एक कॉस्ट, लेबर की अपनी वेजेस की कॉस्ट होगी, और जो टूल्स एंड इक्विपमेंट कैपिटल, जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज हो उसकी अपनी कॉस्ट होगी, और एंटरप्रेन्योर जिसने सबको मिलाया उसका अपना प्रॉफिट भी होगा। क्लियर हुई? तो उस सबकी कन्वर्जन, उस सबकी वजह से कन्वर्ट 800 का हुआ। तो ये जो 200 की चीज थी उसमें एक बंदा 800 क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें 600 का वैल्यू एड हुआ है, उसमें 600 का वैल्यू एडेड है। समझ आ रही है? तो जो बिजनेस इनपुट लेता है किसी किस्म का, अगर मैं कहता हूं सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता हूं यह है 800, क्यों? क्योंकि 200 का था मटेरियल जो लिया, उस 200 के मटेरियल को 200 का एज इट इज नहीं बेचा, 800 का बेचा, और लेने वाले ने 800 का क्यों लिया होगा? क्योंकि आप पे वैल्यू ऐड कर रहे होगे, वो वैल्यू 600 की ऐड हो गई। 600 की वैल्यू में क्या है? इस हद तक तो सारी कॉस्ट आ जाती है, ये सारी तो कॉस्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितना भी सारी कॉस्ट है, बिजली का बिल सब आ गया इसमें, और उसके बाद इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये तकरीबन समझ लो 400 की कॉस्ट है, और 200 मजीद जो है वो क्या है? ओनर का प्रॉफिट। तो वो भी तो एक, उसको भी तो मिलनी चाहिए ना ओनर को उसकी वैल्यू। तो 200 का मटेरियल, 400 उसके ऊपर कन्वर्जन के लगे, और कन्वर्ट करने वालों को जिसने जो मिलाया सारे फैक्टर्स को, वो ओनर वो भी तो अपना 200 लेगा, तो कुल मिला के 800 की चीज कह रहे हैं। तो कोई पूछे इसमें 800 में वैल्यू एडेड कितना है, तो आप कहोगे 600 वैल्यू एडेड है, 200 का मटेरियल था जिसमें 600 वैल्यू एड किया। क्लियर? अब बेकरी है, वो वैल्यू एड करती है, मिसाल तौर पर बेकरी ने शुगर, आटा, फ्लोर, शुगर, बटर और अदर इंग्रेडिएंट $50 के लिए, ठीक है, $50 का ही सामान लिया, और इन इंग्रेडिएंट्स के बदले केक बनाया और केक बेचा $20 का, तो इस सामान के अंदर कितने की वैल्यू ऐड हुई? $20 की। जो सामान तो मार्केट से लिया ना $50 तक का, उस सामान को एज इट इज नहीं बेचा, उस सामान में कोई वैल्यू ऐड करके बेचा, तो वो जो वैल्यू ऐड की $20 की, जब तो वो $70 का बिका। क्लियर हुई? अच्छा, कभी ऐसा नहीं हो सकता एज इट इज सेम चीज बिके और ज्यादा प्राइस में? मिसाल के तौर पर 200 की चीज है, क्या मैं 500 की बेच सकता हूँ बिना उसको चेंज किए? मतलब मैं मिसाल के तौर पर एक बैट लूं, उस बैट को 500 का बेच सकता हूँ? हाँ बेच सकते हो। क्या वैल्यू? कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, वैल्यू कोई ना कोई बेटा ऐड करोगे तभी 500 की बिकेगी। तो कोई वैल्यू, एज इट इज बैट बेच रहा हूं तो 500 का बेच सकता है? एज इट इज बैट बेच रहे हो तो 500 का नहीं बेच सकता, कोई ना कोई आप यकीन वैल्यू ऐड कर रहे हो उसमें, या तो आप डिलीवर करो। नहीं सर, मैं डिलीवर नहीं कर रहा, एक दुकान पे मैं खड़ा हूँ और उसी दुकान से बंदे को बेच रहा हूँ, तो 200 का बैट 200 में, 200 का बैट 500 में कभी नहीं लेगा बेटा, और वो 200 का बैट आपसे 500 में क्यों लेगा? वो 200 में ही लेगा। आप यकीनन कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो जब भी वो आपसे 500 में ले रहा। मसला आप एक सेलिब्रिटी हो, तो आपने उसको बैट देते हुए तस्वीर खिंचा ली उसके साथ, सही है, कैसे सेलिब्रिटी हो यार, 200 की चीज 500 में बेच रहे हो, लेकिन स्टिल, या आपने उसको साइन करके दे दिया, या आपने उस बैट को लिया, उस बैट को अंदर ग्रिप व्रिप चढ़ा के कुछ ना कुछ चेंज करके दिया, तो लेगा ना वो ज्यादा महंगा, वरना कैसे लेगा? क्लियर हो रही है? वरना फिर भी वो 500 दे रहा है तो फिर बेटा वो 300 चैरिटी है, वो 200 की चीज के 500 दे रहा है, वो 300 जो दे रहा है कोई वैल्यू एड नहीं कर रहा है, तो चैरिटी है। और चैरिटी क्या है? जो आपका कस्टमर जो आपसे 200 की चीज 500 में खरीद रहा है, क्या आपको
खुश करने के लिए 300 दे रहे हो, एक्चुअली आपको खुश करने के लिए खुद खुश होने के लिए दे रहे, तो खुद खुश हो रहा है ना वो 300 पर दे के, चैरिटी दे के भी उसको कुछ कॉन्शियस में बेनिफिट तो आ रहा है ना, उसका जमीर मुतमईन हो रहा है, तो उसको फिर भी 300 का बेनिफिट मिल रहा है जब भी तो 500 दे रहा है। तो इधर वे आप उसको कोई ना कोई वैल्यू फराम कर ही रहे हो, कुछ नहीं तो कम से कम उसका जमीर मुतमईन कर दो, सही है। एनीवेज बहुत ऑफ द हुक चला गया मैं, यह वैल्यू चेन एनालिसिस जो आपसे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता, इसकी डेप्थ में मैं लेके जाऊंगा, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये इसलिए लेके जाना चाहूंगा ताकि आपको मैं थोड़ा जहन खोलूं। एक बिजनेस है उसमें मटेरियल आता है और मटेरियल बिजनेस से जाता है, जो मटेरियल आता है वो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल या उसके कॉम्पोनेंट्स, सही ना। जैसे एक पोटैटो फ्राइज बनाने का बिजनेस है तो पोटैटो रॉ मटेरियल है और उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हो सकते हैं, बॉक्सेस जिसके अंदर फ्राइज बना के आप सेल करोगे या शॉपर्स जिसके अंदर वो फ्राइज बना के आप सेल करोगे, राइट। तो रॉ मटेरियल और कोई कॉम्पोनेंट्स हो सकता है, उन कॉम्पोनेंट्स को भी रॉ मटेरियल कह सकते हो, ठीक है। वो आया माल, उसके बाद ये आपने सारी की सारी वैल्यू एड की, ये सारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं जो आप करते हो, और सिर्फ यहाँ नहीं खत्म है, ये भी, ये मार्जिन क्या, ये प्रॉफिट मार्जिन है, ये ओनर जिसने इस सारी चीजों को कंबाइन टुगेदर किया ना तो उसका प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो ये सब हो गए, वो माल बिकता है फिर फिनिश गुड के तौर पर, ठीक है ना। तो आपके आपके बिजनेस में आ क्या रहा है, आई थिंक मैं इसको थोड़ा छोटा साइज कर देता हूँ ताकि अच्छे से लेआउट आ जाए मेरे पास। आपके बिजनेस में आ रहे हैं मिसाल के तौर पे $1,000 के पोटैटो, सही ना, रॉ मटेरियल आ रहे हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल को अपने बिजनेस तक लाने की कॉस्ट, आपने जहां से खरीदा रॉ मटेरियल वहां से आपके बिजनेस तक डिलीवर होंगे ना, $1,000 का मतलब क्या है, अगर पीकेआर में अभी कन्वर्ट करें तो तकरीबन जो है ना 280,000 रुपये के आलू बहुत सारे होंगे, वो सुजुकियों में आएंगे, ठीक है ना। तो आपके बिजनेस में आने की कॉस्ट क्या है, वो जो आपके डिलीवरी चार्जेस हैं वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से पहले सिर्फ एक ही कॉस्ट आपने पे की, वो क्या, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद आपने उसको मंगवाया अपने अपने फैक्ट्री में, उसके बाद उस पर ऑपरेशन हुए, मतलब वो आलू धुले, फिर वो आलू छिले पील किए गए, फिर वो आलू कटे फिंगर शेप के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद वो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई किसी किस्म की टॉपिंग कह लो क्या कह लो, कॉर्नफ्लोर वगैरह लगाया और आपने उसको एक ऐसे अनकुक्ड फ्राइज के तौर पर उनको थैलियों में पैक कर दिया, तो ऑपरेशंस पूरे हो गए, फिनिश गुड्स बन तो गए, यहां तक फिनिश गुड्स बन गए आपके, लेकिन अब उसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स से वो फिनिश गुड्स बन के अब बेचने वाले प्रोसेस में चले गए, मतलब वेयर हाउस में चले गए। वेयर हाउस क्या होता है, स्टोर होता है, पहले वेयर हाउस में आपके रॉ मटेरियल था, अब आपके वेयर हाउस में क्या है, स्टोर है, स्टोर कर रहा, अब आपके वेयर हाउस में फिनिश गुड्स हैं। वेयर हाउस का मतलब स्टोर होता है, या हो सकता है आपके पास दो स्टोर है आपकी फैक्ट्री में, एक स्टोर हो रॉ मटेरियल का और एक स्टोर हो फिनिश गुड्स का। क्यों दो स्टोर है, कि जहर भाई मेरा फिनिश गुड का जो स्टोर है ना उसमें मुझे टेम्परेचर अपना लो रखना पड़ता है, एयर कंडीशन वगैरह चलते हैं, क्योंकि वो जब आलू एक दफा छिल जाते हैं तो उनका हमें ठंड में रखना पड़ता है कूल टेम्परेचर में, जबकि हमारा दूसरा वेयर हाउस है जहाँ रॉ मटेरियल वहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो फिर दो अलग वेयर हाउस हो सकता है। तो फिनिश गुड अपने वेयर हाउस में चलेगी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक का हिस्सा होंगे, फिर आपने होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी कॉस्ट के ऊपर अगर किए तो वो भी वो होलसेलर्स तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन भी आपका हिस्सा है। लॉजिस्टिक्स का मतलब पहुंचाना, यूं समझ लो जितने भी आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि माल इधर से उधर पहुंचता है पूरा, वो सब लॉजिस्टिक्स कहलाते हैं। तो आपने अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाते हुए भी खुद पैसे दिए और अपनी फैक्ट्री से बनने के बाद होलसेलर्स तक पहुंचाने की भी खुद ही डिलीवरी दी, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा बेकरीज पे फैक्ट्रीज की गाड़ियां आती हैं जो कि ब्रेड फराम करती, तो फैक्ट्रीज की गाड़ियां बेकरी से किराया नहीं लेती अपना पेट्रोल वगैरह, बल्कि फैक्ट्री ही फराम करते हो, फैक्ट्री के आउटबाउंड लॉजिस्टिक की कॉस्ट बनी ना। तो ये सारी वैल्यू ऐड हो रही है कि आपने माल खरीदा, खरीदने के बाद से वैल्यू ऐड करना शुरू किया, माल आपने अपने वेयर हाउस पहुंचाया, फिर आप फिर अपने स्टोर से उस माल को प्रोडक्शन लाइन में पहुंचाया, तो वो आलू कटे छिले और सब हुआ, उसके बाद वो आपके दूसरे स्टोर में गए जो फिनिश गुड का है, फिर आपने उस माल की मार्केटिंग की, मार्केटिंग की, उसके बाद वो मार्केटिंग जाके तो उसके बाद वही उनको डिलीवर किया माल, तो फिर दोबारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक में एक और प्लस पड़ गया, मार्केटिंग की भी कॉस्ट लगी, जाहिर है मार्केटिंग की, बिलबोर्ड्स बनवाए, पंफलेट छपवाए, सही ना, किसी के वो बैनर्स वगैरह लगते हैं, सेलिब्रिटीज को बुला के एडवर्टाइजमेंट्स करवाए, सही। इसके अलावा आपने आफ्टर सेल्स सर्विस भी दी, रेसिपी बुक्स निकाली, ठीक है, या कोई चैनल बना दिया जिसपे आप रेसिपीज वगैरह बता रहे हो उसकी, तो वहां भी एक कॉस्ट लग रही है, सारी आपकी वैल्यू एडेड है, सही। और सिर्फ यही नहीं है, आपके और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, लोगों को जो हायर करता है, ट्रेन करता है, फायरिंग करता है, हायर करता है, ट्रेन करता है या निकाल देता है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है।
टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो आए दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता जाता है कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकते हैं। ये अलग डिपार्टमेंट होगा, ये ऑपरेशंस नहीं होगा। ऑपरेशंस में तो जो आपका अपना मेथड है उसी पर आप चीजें बना रहे हो। आरएनडी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका बता रहे कि और नए मेथड्स क्या क्या आ सकते हैं। वो उनकी भी तो कॉस्ट है ना, उनकी भी तो सैलरीज होंगी ना लोगों की। तो ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, सपोर्ट एक्टिविटीज है ये। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज थी सारी नीचे और ये सपोर्ट एक्टिविटीज है। ये सारा खर्चा प्लस ओनर का प्रॉफिट, ये जो सब कुछ लग रहा है वो सारा आपका वैल्यू एडेड है। उस तरह से आपने $1,000 वाले जो आपका जितना भी माल था, रॉ मटेरियल था, उसको आपने शायद $5,000 तक के उसके माल के अंदर फिनिश गुड के तौर पे सेल किया टोटल। तो ये हजार वाली चीज $5,000 में बिकी तो वैल्यू एड कितनी हुई टोटल? $4,000 की। क्या आपकी सेलिंग प्राइस टोटल, सेलिंग सेल्स रेवेन्यू जो था, सेलिंग प्राइस इसलिए नहीं लिखा, सेलिंग प्राइस किसी एक यूनिट का होता है। एक जोड़ी जूते की सेलिंग प्राइस है ₹500, 100 जोड़ी जूते बेच रहे हो अगर तो ₹50,000 क्या होगा? वो पूरी वो सेलिंग प्राइस नहीं कहलाएगी, होगा रेवेन्यू। तो एक फ्राइज की थैली की शायद प्राइस हो $10, लेकिन आपने 500 फ्राइज की थैलियां बेची तो $5,000 पूरा सेल्स रेवेन्यू है, ठीक है ना। एक 10 का है और 500 बेची है तो $5,000 आपका सेल्स रेवेन्यू हो गया। इसमें से आपकी क्या माइनस हुई? अगर किसी ने कहा ना इसमें से कॉस्ट माइनस हुई, तो कॉस्ट अगर आप माइनस करोगे ना तो कॉस्ट $1,000 थोड़ी है बेटा सिर्फ, वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, कॉस्ट तो और बहुत सारी है। जब सारी कॉस्ट माइनस की ना कि उधर भाई $1,000 का तो माल था, उसके ऊपर फिर सारे जो प्रोडक्शन के ऊपर लगे तकरीबन $600 लगे, और फिर सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर मिसाल के तौर पर $1,400 लगे, तो कुल मिला के कितना हो गया? $3,000। ये $3,000 माइनस करोगे तो बेटा वैल्यू एडेड थोड़ी निकलेगा, वो तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, वो जो ओनर की जेब में जाना है। सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो तो बचता है प्रॉफिट, ये एक अलग चीज है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि सेल्स रेवेन्यू में से अगर आप सेल्स रेवेन्यू था 5,000 का, उसमें से रॉ मटेरियल की कॉस्ट माइनस करो खाली, कि रॉ मटेरियल कितने का आया था? $1,000 का आया था, तो जो बचेगा वो होगा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब ये कि इसके अंदर आपके प्रोडक्शन के भी शामिल है कॉस्ट, सपोर्ट एक्टिविटीज की भी शामिल है, ओनर का प्रॉफिट भी शामिल है। 600 सपोर्ट एक्टिविटीज के भी शामिल है, प्रोडक्शन के $1,400 भी शामिल है, और ओनर का $2,000 का प्रॉफिट भी शामिल है इस 4,000 में। समझ आई? तो अगर कोई प्रॉफिट पूछे तो प्रॉफिट ये 4,000 नहीं, ये तो वैल्यू एडेड है। क्या आपकी सेल्स रेवेन्यू में से अगर रॉ मटेरियल को खाली माइनस कर दो तो 4,000, ये तो मेरा वैल्यू एडेड है। लेकिन अगर कोई बोले कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट माइनस कर दो तो बचा प्रॉफिट, नहीं नहीं भाई, प्रॉफिट अगर बचाना है तो सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट थोड़ी थी, और भी बहुत सारी कॉस्ट थी। रॉ मटेरियल के अलावा लेबर के चार्जेस थे, सपोर्ट एक्टिविटीज थी बहुत सारी, बिजली के बिल थे, ये था वो था, सब कुछ था, होता है ना, जगह का किराया था, वो सब भी तो माइनस करो, वो सारी है कॉस्ट। और कॉस्ट तो हमारी टोटल 3,000 है, 3,000 की कॉस्ट अगर 5,000 में से माइनस करोगे तो वो निकलेगा 2,000 तो वो है जो ओनर की जेब में जाना है प्रॉफिट। लेबर की कॉस्ट नहीं, लेबर की कॉस्ट लेबर का हिस्सा बनी ना, कैपिटल में कहाँ से आई? कैपिटल को तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैपिटल के अंदर पता है क्या क्या है? कैपिटल के अंदर सबसे पहले तो पैसा आ गया, क्या आप जो पैसा लेके आ रहे हो, अगर उधार पे लेके आ रहे हो तो उस उधार के पैसे पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, सही ना। उस उधार के पैसे पर अगर इंटरेस्ट देना पड़ा तो फाइनेंस कॉस्ट कहलाई, अल्लाह इससे महफूज ही रखे, ठीक है ना। तो फाइनेंस कॉस्ट कहलाई आपकी, जो आपने पैसा लगाया उधार पे लेके तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा है, तो वो आपका कैपिटल की एक कॉस्ट ये हो सकती है। इसके अलावा आपने जो इक्विपमेंट वगैरह खरीदा, पैसा लगा के आपने इक्विपमेंट वगैरह खरीदा, वो भी आपका कैपिटल बन सकता कहलाएगा। तो वो इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो, वो इक्विपमेंट भी तो यूज़ हो के पुराना हो जाएगा ना, तो इतना महंगा इक्विपमेंट आपने यूज़ कर करके उसकी भी तो वैल्यू गिरी ना, तो ये भी तो कॉस्ट का हिस्सा बना, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो आप बाद में पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में पढ़ोगे वो, ठीक है। बहरहाल तो कैपिटल अलग चीज़ है, लेबर की जो होती है वो वेजेस होती है, और लैंड का होता है रेंट, वो अलग अलग चीज़ें। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन दी हुई है प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, क्या क्या हो सकते हैं, कि एक मिसाल के तौर पर एक पूरी मिसाल बनाई हुई है कि अगर ऑयल फ्रेगरेंसेस एंड पैकेजिंग मटेरियल एक टोटल कॉस्ट $10,000 की ली, फिर उसके ऊपर आपने जो है ना सोप बार्स बनाए, क्या बना रहे? सोप बार्स। सोप बार्स मतलब क्या? साबुन, साबुन बना रहे हो, तो ऑयल लिया, फ्रेगरेंसेस ली और पैकेजिंग मटेरियल लिया $10,000 का, ठीक है ना। तो सब कुछ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ गया, रॉ मटेरियल भी, अच्छा रॉ मटेरियल भी शामिल कर दिया इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, मैंने रॉ मटेरियल शामिल नहीं किया था, मैंने कहा था रॉ मटेरियल के बाद की तमाम चीज़ें ये, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल के बाद के अलावा जो चीज़ें ना वो $10,000 को, चलो इसको छोड़ो, कोई मसला नहीं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप रॉ मटेरियल शामिल कर भी दो,
वैसे भी ये आपका टेस्ट नहीं होना, ये तो गलत से मैंने वैल्यू चेन एनालिसिस बनाया, तो खैर इसको पढ़ना खुद से समझ में आ जाए वेल एंड गुड। यहाँ पर नीचे आपको एक बहुत बड़ा फर्क दिखाया है कि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू में से तमाम अखराजात माइनस कर लो प्रॉफिट होता है, जबकि वैल्यू एडिड क्या होता है, वैल्यू एडिड ये होता है कि आपका जो रेवेन्यू था उसमें से जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो माइनस कर दो। तो अगर आपने 25,000 डॉलर के साबुन बना के बेचे जबकि उन साबुन का मटेरियल था 10,000 डॉलर का, तो 15,000 वैल्यू एडिड है, ठीक है। इस वैल्यू एडिड का कोई ब्रेकअप पूछे तो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में 10,500 डॉलर लगा 15,000 में से, ये रहा कि प्राइमरी एक्टिविटीज में ऑपरेशन में 7,000 डॉलर लग गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में इतना लग गया, 2,000 इतना लग गया, 500 सर्विसेज में लग गया, और सेकेंडरी एक्टिविटीज जो कि सपोर्ट एक्टिविटीज थी हमारी, ठीक है ना, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट, इन सब की भी अपनी कॉस्ट 2,000 डॉलर लगी। तो टोटल 12,500 डॉलर का तो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज थी, प्लस 2,500 ओनर का प्रॉफिट, तो ये सारी चीजें मिला के आपका 15,000 बना जो कि वैल्यू एडिट कहलाए। अब सिर्फ प्रॉफिट की नजर से देखें तो प्रॉफिट तो सिर्फ 2,500 है, प्रॉफिट निकालना तो क्या करोगे, 25,000 में से रॉ मटेरियल के 10,000 माइनस करोगे, उसके बाद आप प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज भी सारी माइनस करोगे, ठीक है ना। तो आपका जो टोटल 25,000 के साबुन बिके उसमें से रॉ मटेरियल माइनस किया, ऑपरेशन माइनस किया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स माइनस किया, मार्केटिंग सेल्स माइनस की, सर्विसेज माइनस की, और भी कोई अगर अदर एक्टिविटीज कुछ भी सब मिला के माइनस की, तो बचा 4,500 का प्रॉफिट। ये 2,500 का दे रहे हैं और 4,500 आ रहा, गलत आ रहा है, क्योंकि हमने क्या माइनस नहीं किया यहाँ पर, अदर नहीं माइनस किया हमने, तो सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज माइनस की 500 तक, सेकेंडरी एक्टिविटीज भी तो है, कितनी है 2,000 डॉलर्स, प्राइमरी एक्टिविटीज है 10,500 की, हमने ये कुल मिला के ना 10,500 माइनस किए, 10,500 तो नहीं माइनस किया, 7,000, 1,000, 2,500, ये कितना बनता है 17,500, 18,000, 19,000, 20,500, लेकिन इसके अंदर अभी मैंने क्या ऐड नहीं किया, सेकेंडरी एक्टिविटीज जो कि कुल 2,000 की थी, वो भी लिखता हूँ ना मैं, सपोर्ट एक्टिविटीज ये लिखूंगा मैं, कितने के डॉलर, जब ये 2,000 की और माइनस होंगी तो फिर हमारा जो है ये कितना हो जाएगा, 22,500, 2,000 और कम हो जाएगा, जब जब 25,000 में से 22,500 गया तो 2,500 बचा, वही जो ऊपर हमारे लिए प्रॉफिट था, क्लियर है। तो व्हाट इज वैल्यू एडेड एंड हाउ डज इट हेल्प बिजनेसेस जनरेट रेवेन्यू, कवर कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। जवाब नहीं समझ में आ रहा तो आप चैट जीपीटी से आके पूछ लो आंसर, आज के दौर में तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आप खुद अपने जहन से पहले रफ में आंसर लिखो, वरना इस पेपर के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, बस सोच सोच करोगे। जिसने ये वाली दिक्कत अपना ली ना कि मेरे पास जो नोट्स हैं बस मैंने इसी को अपना जो है ना सब कुछ मान लिया और इसी के अंदर जो है ना मैं लिखता चला रहा हूँ, आपकी तैयारी बेस्ट रोजर हो जाएगी, क्योंकि पूरा कोर्स हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर, क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं।